खबर हनुमानगढ़ के नूहर से है, जहां पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ धरने पर बैठे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार सरकार ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगें पूरी नहीं कर रही है, जिसके चलते ग्राम विकास अधिकारी संघ को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ तहसील अध्यक्ष विवेक श्योराण ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 155 के आदेश तुरंत लागू किए जाएं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के कैडर स्ट्रेंथ सहित महत्वपूर्ण समझौते को लागू किया जाए, साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर लंबित व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं करेंगे और इसी तरह से आगे जैसे भी हमारा प्रदेश स्तर पर निर्णय होगा हम इसको लगातार चालू रखेंगे। पिछले 3-4 महीने पहले भी आप धरने पर बैठे थे, सहम यही मांगे थे, क्या उन मांगों पर गौर नहीं किया था? दोबारा भी नहीं किया? वहाँ पर सहमति कर दी जाती है, परंतु उन सहमति करने के पश्चात उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, इसलिए हमें मजबूर होकर काम के समय में भी धरने पर हमें बैठना पड़ रहा है। हम इसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। आप 2-3 बार धरने पर बैठ चुके हो, लगता है कि हर बार समझौता हो जाता है, तो लगता है कभी कभी समझौता? हर बार ये रणनीति अपनाई जाती है, समझौते जरूर होते हैं, इसको धरातल पर लागू नहीं किया जाता, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और जब तक हमें इसको पूरी प्रभुत्व नहीं होगा तब तक इसको हम लागू कराने के लिए धरने पर लागू रहेगा।